दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा की एंड का। देखिए फिल्म की एंड का कहानी कुछ यूं है कि अर्जुन कपूर एक बहुत अमीर बाप का बेटा है जो एमबीए कर चुका है, बट एमबीए करने के बावजूद भी उसको बिजनेस करने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है, वो बिजनेस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो बनना चाहता है जैसी उसकी माँ थी, यानी जिस तरह से उसकी माँ बहुत अच्छे से घर को संभालती थी वैसे ही अर्जुन कपूर भी चाहता है कि वो घर संभाले, अच्छे अच्छे खाने बनाए और बहुत बेहतरीन तरीके से घर को चलाए अपनी माँ की तरह। इस वजह से इसके बीच में वो करीना से मिलता है, जो करीना फिल्म में रियल में भी है मेरे ख्याल में, बट अर्जुन से कुछ साल बड़ी है और जो एक कंपनी में काम करती है और अर्जुन कपूर उसको कहता है कि मुझसे शादी कर लो अगर आप ऐसा चाहती हो कि मैं घर को हैंडल करूं। खैर दोनों शादी कर लेते हैं अर्जुन कपूर और करीना, और अर्जुन कपूर घर संभालने लगता है और करीना कंपनी में काम करती है। और इसी बीच में अर्जुन कपूर जो करीना की माँ है उससे बहुत फ्रेंडली हो जाता है, उससे मतलब वो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेक्स वगैरह की बात भी कर लेता है। और ये होते होते मेरे ख्याल में इंटरवल तक इन दोनों का बड़ा अच्छा रिलेशन चलता रहता है। इंटरवल के बाद अब अर्जुन कपूर के टीवी वगैरह पे इंटरव्यू होने लगते हैं कि भाई एक लड़का ऐसा भी है जो वाइफ की तरह घर चलाता है और एक वाइफ ऐसी भी है जो हस्बैंड की तरह नौकरी करती है, और इस तरह से अर्जुन भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, गलतफहमियां पैदा होती है, उन सब को सॉल्व करते हुए कैसे वो दोनों अपनी जिंदगी को चलाते हैं, कैसे वो दोनों अपने घर को संभालते हैं और वो संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते, आगे फिल्म में क्या होता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म की जो कहानी है वो बाल्की साहब जो डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद लिखी है और अच्छी लिखी है, जो वो कहना चाहते थे जो वो बनाना चाहते थे उस हिसाब से उन्होंने ठीक लिखी है। फिल्म के डायलॉग भी उन्होंने अच्छे लिखे हैं, कई जगह बहुत इंप्रेस भी करते हैं। फिल्म का म्यूजिक एक जो हील वाला गाना है वो आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत हिट हो चुका है और बाकी भी गाने अच्छे हैं, यानी म्यूजिक ठीक ठाक है। फिल्म दुबई में शूट हुई है, बॉम्बे में शूट हुई है और फिल्म का जो मतलब फिल्म के जो लोकेशंस हैं, जो कैमरा वर्क है वो बढ़िया है, एडिटर ने भी काम ठीक ठाक किया है, डायरेक्शन बाल्की साहब ने क्योंकि फिल्म खुद लिखी है और बाल्की साहब ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की हैं, जैसे उनकी पहली फिल्म थी चीनी कम, फिर दूसरी फिल्म थी पा, तो उन्होंने यहां भी अच्छा डायरेक्शन किया है, फिल्म को अच्छे तरीके से संभाला है। एक्टिंग हमारे अर्जुन कपूर और करीना कपूर दोनों ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। आप ये कह सकते हैं कि करीना कपूर अपने रोल में बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रेसिव लगी हैं। तो अगर आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो और बहुत ओपन माइंडेड हो, आप वाकई ही मतलब हाई सोसाइटी से हो, तो आप भी इस फिल्म को जरूर एंजॉय करेंगे। और मैं इस फिल्म को देता हूं 2.5 स्टार, और मेरे ख्याल में कि जो बहुत हाई सोसाइटी के लोग हैं वो इस फिल्म को मतलब उनको ये फिल्म देखनी चाहिए।